आगे से करूं पीछे से करूं? अगर मैं जाट ना होती तो क्या ये शादी होती? डट्या घर रोहित झूठे देश के, सास ओके और बहू की अगर लड़ाई हो जाए तो कर दी ना तंदर तरीके की बात। अब बाकी लड़कियों को चेकआउट करते हो, लाइफ में कुछ सीक्रेट्स होते हैं तुम्हारा कुछ रोहित, सीख ही लड़के गए सबसे पहले लड़कियों में क्या देखते हैं? तो किसे की ना मान रहे वो जाट हो है जहर, जो जाट की ना मान रहे वहा हो है जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत है कदी का राना ब्लॉग चैनल पे। तो गाइस, मेरा रोहित के साथ क्यू एन ए करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मम्मी के साथ क्यू एन ए किया, ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछे, तो इतने सारे कमेंट्स आ गए थे कि आपको रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। मम्मी से पूछे थे मम्मी के टाइप के क्वेश्चंस और आज रोहित से पूछूंगी रोहित के टाइप के क्वेश्चंस। मेरा नवाई के बुझ जाएगी इतना गोलियां हो रहा है कि पेट में सुबह सुबह उठा गाड़ा बिठा दिया, ना नहाने का टाइम दिया, ना सोचने का टाइम दिया और ना इसी किताब में देखने का टाइम दिया मैंने, और हाथ में घड़ी पड़ा रखी है यस, ताकि आपको आवाज आती रहे ढंग से। यस, क्वेश्चन तो रोहित को मतलब इसने इतनी बार मेरे तो पूछ लिया तू के बुझ जाएगी मैंने एक कल हिंट इसका दे वीडियो नहीं दे। देखा भाई, मेरे पास टाइम नहीं था, और मैंने कल जब इसका थंबनेल देखा ना, ये तो पल गया थंबनेल मेरे देख के मेरा नू होगी, मगर भाई मेरे नक्के पूछ रखा है, मेरी तो हिम्मत ना हुई वीडियो खोलने की, और आज पता नहीं क्या पूछने वाली है। आर यू कर कर रेडी? स्टार्ट करो, करो स्टार्ट करो, आगे से करूं पीछे से करूं? कितने कर ले भाई, मैं फंसना हूँ। चलो मैं पीछे से शुरू करती हूँ। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द गेम। और गाइस, रोहित को पहले ही बोल देना कि जेन्युइन आंसर देगा, ये इतना गोलमोल करता है ना क्वेश्चंस और आंसर्स को लेके, क्वेश्चन कुछ होगा आंसर कुछ और देगा। और एक और बात, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो अभी और शेयर करना अगर आपको पसंद आई है, ओह सॉरी, और अगर आपको लग रहा है कि मम्मी के साथ भी एक क्यू एन ए होना चाहिए तो इस वीडियो को इतना शेयर कर देना, इतने व्यूज आने चाहिए कि मैं एकदम पंप पंप हो जाऊं और क्यू एन ए क्या हो करूं, जाए, पंप 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 अप। पंप अप, ओके तो करूं शुरू? कर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपकी वाइफ पहले बेडशीट, ये बता, पहले ये बता कि प्राइस क्या मिलेगा। तू बता क्या चाहिए? नए कपड़े? नहीं 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 उसकी नहीं जरूरत है रोहित तुझे? बस ये गाइस, अब की बार 5 लाख रोहित ने का चेक ना, दे दियो तो। हाँ, इतने 5 लाख मेरे पास ही नहीं है तो गाइस, कल रोहित ने ना, कल ली 3-4 दिन पहले ऑर्डर करी थी 3 शर्ट, नू सोच के बहुत बढ़िया बढ़िया एंडी एंडी है, तो कोई अरे बिल्कुल ऐसी घटिया आ गई कति यार, घटिया आ गई तो ये जो अनऑफिशियल साइट्स होती है ना, इनसे कपड़े मत लेना। तो चलो मैं शुरू करती हूँ रोहित, पहला क्वेश्चन, अगर आपकी वाइफ बेडशीट लगा रही है क्या आप उसकी हेल्प करोगे? मैं सोचूंगा, अगर मैं उस टाइम फ्री होऊंगा तो हेल्प कर दूंगा, और अगर कुछ बात मनवानी होगी तो हेल्प कर दूंगा, अरे जनू दिखेगा भाई दुखी हो रही है तो हेल्प हाँ करूंगा, क्यों अच्छा हेल्प ना करूं चलो, ये जेन्युइन है, क्योंकि अगर ये ही भा बोलता ना कि मैं लगा हाँ देता, जेनुइन बात है भाई, जेनुइन बात मैंने है। आज सुबह सुबह बेडशीट चेंज करी थी, मैं ही नहीं बेपकड़ू है इससे बात पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपकी वाइफ आज अच्छी नहीं लग रही, आप उसे इग्नोर करोगे या टोक दोगे कि आज तू बहुत बुढ़ी टोक लग दूंगा, रहा मैं तो इग्नोर नहीं करूंगा, टोक है दूंगा तो आज मैं किसी लगू रोहित? मीडियम, चलो नेक्स्ट काला सूट क्वेश्चन, पहन के बैठी है मैडम, ना भी ना रहे यार। अगर मैं जाट ना होती तो क्या ये शादी होती? अगर मैं जाट होती ना ना होती? होती भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर घर वाले इशू करते तो फिर वही बात है भाई, घर के ही बात माननी पड़ती तो मतलब शादी नहीं होती? ना, ओके लेकिन मैं अपना फुल ट्राई करता भाई, और शायद मुझे लगता है कि घर वाले मान भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले मान ही जाते हैं, तो ठीक कुल है, मिला के बात ये है कि 98% हो जाती है, बस 2% का चांस है भाई कि न्यून न्यून की बात कुछ हो जाए, जो घर परिवार के का दिन हो जाए चुगल टाइप के, तो उस रीजन की वजह से नहीं हो पाती, तो नहीं हो पाती। चलो मुझे मायके जाना है, ये सुन के आपके मन में क्या आता है? मुझे मायके जाना है, हाँ जा भाई जब कोड़ रोक कर डट्या घर रोहित झूठे देश के देना। रोहित मुझे मायके बस जाना जा रहे यार, है बढ़िया जा भाई, एक हफ्ता रुका ही थी, कद दो दिन गिनवा पहले अमेरिका गया इसने,
एक एक दो दो घंटा जब वहां पर आए थे, जब कहां पर आए थे, ट्रिप से आए थे, कितनी देर रुके थे? बात 10 मिनट। जाने की है ना, बात जाने की है, 10 मिनट माइक रुके जाने थे हम। की। गाइस बात है माइक जाने की। अब ये क्वेश्चंस घुमा रही है, कोई जरूर दिक्कत ना है। शुरू कर दिया है रोहित ने क्वेश्चंस को घुमाना। क्या लड़कों को लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड पसंद होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जेलस फील करते हैं ऐसे। अच्छा। ऊँ तैनू कहते रहेंगे हाँ चल कोई दिक्कत ना आई है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से करते हैं जेलस फील। अच्छा, अगर मतलब एक मान ले मैं तेरी गर्लफ्रेंड होती और मेरी हाइट तेरे जितनी होती, तो क्या ये शादी होती? वो जब तू बता मैं क्यों तो कर बताऊँ, लेता, मैं तो कर लेता यार अच्छी बात कर रहे हैं। थोड़ी सी और लंबी होती तेरे तय फिर करता। फिर त्रेपा कटवाने पड़े मुझे पहले नीचे बता बता तू करती। मैं तो कर रही हूं, तू इतना लंबा रहा ऐसी कुछ बात नहीं है भाई, एक दिन ऐसी कुछ हाइट में बात चल रही थी तो कन्या के ऊपर ऐसी कुछ बात मारी मन रहे, मैं इसकी हाइट थोड़ी और लंबी होती है ना, मैंने पूछते भी कोने और स्मार्ट लड़का तो थी डट अपनी जिया डट जिया। ये बात हुई थी भाई, रियलिटी में हुई थी। तारीफ करवाना चाह रही हो? अच्छा मान ले तूने पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस मेरे ओके। तक मतलब छुटकारा कि भाई पूरे टाइम कनिका इर्द गिर्द रहे, तो तू कैसे पर्सनल स्पेस ढूंढेगा या कैसे मतलब उस चीज से कैसे निकलेगा पर्सनल स्पेस के बाकी लिए? आज तक जरूरत पड़ी नहीं पर्सनल स्पेस की, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता पर्सनल स्पेस का। तो और अगर मिला मतलब ऐसा कुछ चाहिए तो तेरे मायके भेज जाएंगे सबसे बेस्ट सुन ऑप्शन के यही अच्छा लग है। रहा है। हाँ क्या एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के रिलेटिव्स के घर जाना पसंद है? क्या एक हस्बैंड को, हाँ वो डिपेंड करता है भाई कि कितनी बॉन्डिंग है। और अगर आपकी मान ले भाई इसकी बुआ के घर आ जाने लग रहे हैं, इसकी बुआ के घर तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा। इमान लेखा का तवा बदल थोड़ा नॉर्मल हो जाए, आवा जावा है, लेकिन इसकी बुआ की छोरी के जाते हो तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा। ओके। बिजनेस इज गुड या जॉब इज गुड? बिजनेस इज गुड, बिजनेस इज बेस्ट एक नंबर का। जॉब तो यार आप बंद जाओगे, और मतलब ऐसा है कि आपके मन में ये रह जाएगा कि यार मतलब जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया। तो एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, हालांकि आप बेशक से फेल हो जाओ उसमें, लेकिन आपको कभी ये गिल्ट फील नहीं होगा कि हाँ मैंने ट्राई नहीं किया। तो एटलीस्ट भाई बिजनेस ट्राई करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस लाखा से स्टार्ट हुए हैं, एक रेडी वाला भी जो अपनी रेडी लगाता है वो भी एक बिजनेस ही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो एटलीस्ट एक ट्राई आपको करना चाहिए। अगर आपकी वाइफ 24 घंटे अपनी मम्मी से फोन पे बात करती है, तो उसको लेके आपके क्या व्यूज हैं? 24 घंटे शी इज बात मैक्सिमम ऑन द फोन, कहने का मतलब मैक्सिमम टाइम शी इज ऑन द फोन। तो बस फिर तो सब सब नबेरा यार, ये सब बताने वाली की बात है। बढ़िया चुगल चाल जो इन उनते भी और नहीं उनते भी अरे फिर लास्ट में अरे तू छोटे ना हमने क्या करना है तो मतलब इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दैट्स व्हाट आई एम वो आस्किंग। भाई तुम देखो मैं देखे बात करूं, ये मैं ना हूं तुम जब भी बात करोगे मेरे पीछे से नहीं। अगर आपकी वाइफ आपसे ज्यादा कमा रही है, तो आपके क्या व्यूज हैं? हमारे व्यूज यही हैं कि भाई जहाँ पे मैं पेमेंट करने जाऊं पहले वो अरे रुको 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 मैं करता हूँ, फिर मैं उससे बोलूँ अरे नहीं 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 रुक जाओ मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो मैंने देना दे भाई, ऐसा होना मतलब चाहिए। अगर वाइफ ज्यादा कमा रही है तो हाँ शी शुड पे। हाँ ओके। अगर वाइफ की तबीयत खराब हो जाए, तो क्या आप उसके जो वो घर के काम करती है वो आप करोगे? करने पड़ेंगे, मजबूरी होगी वो तो यार। और तबीयत ना भी खराब हो जब भी करने पड़ जाए, ये मान ले कल नहीं कुछ बात इसी हो जाए भाई, नू कह दे इतना काम मैं करूँ इतना तू करेगा। आजकल हो रहा है ये ऐसा गाइज, मतलब जो हाउस वाइफ्स है ना वो अपना काम शेयर कर रही है, और मतलब ऐसा नहीं है कि एक लड़की ही हाउस वाइफ बन के रह सकती है, एक लड़का भी रह सकता है हाउस वाइफ, मतलब हाउस पति बन के, हाउस पति बन के। तो आजकल ये थिंकिंग हो रही है मतलब लोगों की उस तरीके से आ रही है, तो कर लेंगे भाई हमने तो कोई दिक्कत ना। क्या शादी के बाद बच्चे करना इम्पोर्टेंट है?
शादी से पहला कर लो। ये क्वेश्चन ही गलत है यार। शादी से बाद बच्चे करना इम्पोर्टेंट मतलब कहने का क्यों इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है हाँ भाई? मतलब आपकी लाइफ एक उसमें चल रही है, मतलब जैसे आप 5th क्लास में आते हो, फिर 6th में आते हो, 7th में आते हो, 8th में आते हो, ऐसे ही भाई आपकी लाइफ का पार्ट चल रहा है। आपने पहले स्कूल किया, फिर कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, मतलब वो तो पहला ही हो जैसे ही, फिर शादी होगी। तो शादी के बाद जो अगला स्टेप होता है वो बच्चों का ही होता है भाई, तो बच्चे तो होने ही होने क्योंकि हैं। आजकल की जनरेशन थोड़ा बच्चों से दूर भागती है, दैट्स व्हाट कितना दूर भाग लो भाई, आई एज्यूम। एट द एंड मतलब आपको बच्चे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और अगर वो पार्ट आपकी लाइफ में नहीं आया तो फिर मेरे हिसाब से शायद आपकी लाइफ रुक सी जाएगी थोड़ी, है ना, वहीं थम जाएगी, रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा उड़े। हाँ अगर हस्बैंड वाइफ की कोई इम्पोर्टेंट डेट भूल जाए या कि उसका जन्मदिन या एनिवर्सरी, तो उसको कैसे मनाना चाहिए? कोई भी गिफ्ट ले जाओ, है ना, उसकी तारीफ कर दो, सबसे मेन तारीफ कर दो लड़की तू की। तो कत्ती भी ना करता रोहित बेस्ट है मेरी। फिर किसी दिन रूसे की बढ़िया तारीफ के पहाड़ चढ़ा दूंगा ऊपर तेरी। कितने क्वेश्चंस रह गए? ओके अभी 11 हो रहा है। सास और बहू की अगर लड़ाई हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसी टाइम घर से निकल जाना चाहिए। मेरे बेटे मैं भी आ जाऊंगा। तो भाई अगर सास बहू की लड़ाई हो जाए ना, आपको जनरली बताऊं मैं, तो हमेशा बीच में मत कूदो, आपको रियलिटी बताऊं, क्योंकि अगर आप बीच में कूदते हो तो ये तो भाई थोड़ी देर में अपने आप उसी हो जाए जी पहले थी, फिर तुम बीच में पागल बन जाओगे। तो एक आधी बार इग्नोर करो, एक आधी बार बुड़ भी जा रहा, कोई दिक्कत ना है। अगर ऐसी सिचुएशन आए कि वाइफ या फ्रेंड में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको चूज करोगे? वाइफ या फ्रेंड? ऑब्वियसली वाइफ है, फ्रेंड को चूज क्यों? क्वेश्चन ही गलत है गाइस। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए सिचुएशन कैसी आएगी? कि मैं मुझे रहना था भू फ्रेंड के साथ गल्या जाना है ट्रिप पे या वाइफ के साथ जाना है। उस टाइम तो भाई दोस्त चूज करे जाएंगे यार। देख कर सिचुएशन दी ना तंदर तरीके की बात। ही आई सी क्या लग रही है यार, सिचुएशन ऐसी बात ट्रिप की है तो फ्रेंड से, अरे भाई बात घनी सीरियस है तो लग गई वाइफ हो छिगलिया ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आपकी गर्ल या वाइफ को कोई छेड़े तो आप क्या करोगे? आपकी गर्ल? मतलब जो भाई एज अ मतलब बॉय पूछ रही हूँ, या मतलब उस सिचुएशन में जब मैं गर्लफ्रेंड थी या फिर अब मैं वाइफ हूँ, अगर आपकी वाइफ को कोई छेड़े तो आपका क्या व्यू है? मतलब क्या करोगे उस टाइम पे? भाई उस टाइम तो वो छो बतावा के होगा, और जब गुस्सा ना भी उठा तो मैं भी वो है, पुलिस वाला मैटर होएगा, क्योंकि जिस उम्र में आदमी बढ़ता जाता है ना तो समझदारी आने लग जाती है कि भाई खुद पंगे ना करके पुलिस पुलिस को इन्वॉल्व को करना। इन्वॉल्व कर लो। कुछ और लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, क्या ऐसा वो नहीं ठीक करना चाहिए है? भाई, नहीं, ऐसे उनको अपना बढ़ावा आपका मिलता कद्दे मत है। मारो, ठीक है, क्योंकि अगले दिन शीशे में मुंह आपको खुद देखना है, तो उस टाइम वो बात पक्का याद आएगी आपको। शादी के बाद अगर आपकी वाइफ कोई मेल फ्रेंड बना रही है, क्या वो ठीक है? ठीक, मतलब इसमें कुछ गलत तो है नहीं, मतलब अगर भाई एक नू सोच के आए उस टाइम, थिंकिंग आपकी ये हो कि कभी कुछ गलत सोच ले हो, तो ऐसी थिंकिंग तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन लड़कियां सोचती हैं ऐसा मुझे पता है, तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, क्योंकि भाई बिजनेस में तो यार आदमी भी आओगे, लुगाई भी आओगी, तो उनसे टैकल करना, उनसे बातचीत करना तो इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ बाहर हो, क्या आप बाकी लड़कियों को चेकआउट करते हो? यार लड़कियां ही वाई बात ही बाकी तो आओगे देखने गए नहीं, पर अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब वो, तो मैं समझ गया ना क्या कह रहा हूँ, सुतरी सुतरी सो जाने क्या बस। क्या आपने अपने किसी दोस्त की लंका लगवाई है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी चुगली कर दी हो? तेरे बॉयफ्रेंड चुगली ने नहीं लूलू करी, कर ऐसे चुगली दिया। नहीं करी, लेकिन जैसे उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया और वो, उसने पहले बोल दिया कि तुम चुप हो जाओ, बोलियो मत कुछ, उस टाइम उसका भांडा फड़वाया बढ़िया। तो चलता रहता है भाई। अगर आपकी वाइफ का पास्ट है कुछ, और उससे क्या आपको फर्क पड़ता है कि अगर इसका पास्ट है तो मुझे इससे शादी नहीं करनी, इस टाइप का कुछ? अगर आपकी वाइफ का पास्ट है लाइक बॉयफ्रेंड्स रहे हैं या एक्स वाई जेड। भाई वो डिपेंड करता है,
मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन जो आजकल के लड़के हैं वो सोचते हैं भाई पीछे से ये पड़ताल कटवाना है। तो अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। अरेंज मैरिज में फर्क पड़ना और चाहिए। अरेंज मैरिज में फ़र्क पड़ता है भाई, पड़ता है अरेंज मैरिज में फ़र्क, क्योंकि लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, तो एक जो अगर मान ले कोई रिश्ता जोड़ दिया हमने किधर, तो उसकी जांच पड़ताल कटवाओगे, निकलवाओ, मतलब कोई बुरी बात नहीं है इसमें, तो होता है ऐसा भाई। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा है कि 50% मैटर करता है, फिफ्टी हाँ करता परसेंट है, नहीं करता। करता है, करता है भाई। आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट किसके साथ हो, जिसके साथ अपने सीक्रेट्स आप यूं छुटकियां में रिवील कर सकते हो बिना सोचे किसी अकेला बैठ समझे? जाओ भाई, उससे अकेला हो जाओ। हमारे इधर हमने ऐसा मतलब कोई सोचते नहीं है कि उससे बतानी है ना बतानी, मौके की बात हुआ है जो उस टाइम बैठा हुआ है उसके लिए शेयर हो जाए। मतलब तने अपने सारे सीक्रेट्स मम्मी तय बताए हैं, सीक्रेट्स तो कुछ आए कौन है यार, सीक्रेट्स के हुआ है हर एक की लाइफ में कुछ सीक्रेट्स होते हमारा, कुछ हैं। सीक्रेट कौन है भाई। गाइस सारे क्वेश्चंस के जवाब बेस्ट दिए जा रहे हैं, तो बेस्ट गिफ्ट होना चाहिए, ठीक लड़के है। सबसे पहले लड़कियों में क्या देखते हैं? लड़के सबसे पहले लड़कियों में क्या देखते हैं? सबसे पहले भाई उसकी वो देखते हैं, मतलब क्या? अरे सुंदरता। अच्छा हाँ, तभी तो अट्रैक्ट होगा आदमी बात करने के लिए। हाँ, और तो वो चीज सुनी अगर जैसे कोई होगी। यार दोस्त बन गया तो उसका नेचर देख लेंगे भाई, लेकिन सबसे पहले तो भाई आंखें जो देखती हैं, तो आई कांटेक्ट होता है जो, तो उसमें वही आएगी भाई, उसकी स्मार्टनेस देखेंगे और हाइजीन देखेंगे। नूना सुगली सागली ना। Why do men go after the woman who plays hard to get? मतलब उन लड़कियों के पीछे लड़के क्यों ज्यादा भागते हैं जो उनको रिजेक्ट करती हैं या फिर इग्नोर करती हैं? वो ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है ना उसमें, कि इसने मुझे इग्नोर क्यों किया, तो वही बात अच्छा, है भाई, एक कहावत है अपने में, अब जो जिसका लात मारेगा ना वो उसके माँ बढ़ेगा, और जो जिसके माँ बढ़ेगा वो उसका लात मारेगा, ऐसा मतलब रियलिटी में होता है। तो आखिरी क्वेश्चन, Why are men usually more scared to get into a serious relationship या फिर शादी? मतलब कि हिंदी में बोल आपके लिए बता देती हूँ, जो आदमी होता है वो सीरियस रिलेशनशिप में या शादी करने से इतना क्यों डरता है? भाई मन तो को डर लग गया नहीं शादी से, लेकिन आजकल की जनरेशन डर रही है, क्योंकि भाई लेडीज आ गए इतने जबरदस्त केस होने लग गए, और सूदी जेल है भाई, कोई बैल नहीं है, तो अपना दांत जोड़ के बैठे ना पहले नहीं तो मेरे ख्याल में ये रीजन है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा, तो एक डर का माहौल चल रहा है, तो बोला भाई हाथ जोड़ के बैठे यार, कुछ बात हो जाए तो पहले हाथ जोड़ ले। ठीक गाइस कैसे लगे मेरे क्वेश्चन? पहले तू बता रही थी। ठीक थे, मतलब मजे आए, अच्छा, जेनुअन थे क्वेश्चन भाई। ज्यादा मतलब डरावने ना थे जितना मैंने डर हाँ, खौफ लेकिन जो बना मम्मी रखा वाले था। क्वेश्चन थे ना भाई साहब, वो तो हॉरिबल थे, जबरदस्त तू वाले। तो दुखा था, मैंने देखे ना देवता ही फंस गया अरे मेरी मैंने बातों थंबनेल में। थंबनेल देखा, थंबनेल में देख लिया मैंने अच्छा, क्वेश्चन। ओके, ओके गाइस, तो कमेंट करके बताओ कि मैं क्या गिफ्ट मिलना चाहिए। यस। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो अगर आप चाहते हो कि अगली Q&A मम्मी के साथ करूँ, यानी कि शीला मॉम के साथ। तो ठीक है सासू माँ के गाइस, साथ। तो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय, बाय। टाटा, लव यू गाइस। और इससे भयंकर सवाल अपने हस्बैंड से पूछो भाई, ठीक है। ओके बाय बाय। बाय।